आज मैं आप लोग के साथ अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत टेस्टी बनती है, बनाना भी आसान है और ये रोटी नान सबके साथ अच्छी लगती है। तो चलिए बनाते हैं। सामग्री की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसलिए मैंने प्याज लिया है, थोड़ा सा धनिया का पत्ता, मिर्च, अदरक और लहसुन, इसे थोड़े से 2-3 चम्मच पानी डाल करके इसको बारीक पीस लेना है। 750 ग्राम चिकन लिया है, उसके में हम ये मसाले डाल देते हैं। उसके साथ दही, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, वाइट पेपर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा तेल डाल कर इसे मिला लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। अब जब हम रोस्ट करने जाएंगे तब इसमें कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब हम एक पैन गरम करते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल और घी मिला लेंगे। अगर आपको घी नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते, पर इसे टेस्ट अच्छा आएगा। और इसे मीडियम हाई फ्लेम पे भून लेना है। पहले थोड़ा देर कवर कर दें, उसके बाद फिर ओपन करके इसे अच्छी तरीके से भून लेना है, कुछ इस तरीके से। अब एक दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और बचा हुआ चिकन फ्राई किया हुआ तेल भी इसमें ऐड कर देंगे। कुछ खड़े मसाले, बारीक पिसा हुआ प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे मिला लें। और इसमें हम मैरिनेट किया हुआ जो मसाला बचा है उसे भी मिला देंगे और इसे कुछ देर के लिए ढक देंगे 4-5 मिनट तक। उसके बाद इसे फिर भून लेंगे जब तक इसके किनारे से तेल छोड़ने न लगे। जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगा तो इसमें दही डालेंगे, थोड़ा सा पानी, नमक और गरम मसाला और जीरा पाउडर। अब इसे 2 मिनट बॉईल करेंगे, उसके बाद इसमें हम चिकन मिला देंगे। हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक, इससे स्वाद बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा दूध मिला देंगे, इसमें आप ज़्यादा दूध भी मिला सकते हैं, जैसे ग्रेवी पतली और गाढ़ी रखनी है। 8-10 मिनट होने के बाद ये रेडी हो जाएगी। तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, मुझे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।